waiting for too long. Girl, I've been craving, 'cause it's with you where I belong. I don't know what to do, so I'm leaving the city, 'cause I can't afford all my demons. I wish that it was true that you need me to hold you, but I can't control how you're feeling. वेलकम टू माय YouTube चैनल। तो कैसे मेरे सारे भाई, हम यहाँ पे रात को करीब पहुंच चुके थे अपने होटल के अंदर 8:30। तो 8:30 के करीब हम यहाँ पे पहुंचे थे, और जो हमारा ये होटल लोकेटेड है, ये हमारा मेन माल रोड के बिल्कुल ऊपर ही है, और यहाँ से जो बाहर का व्यू है बहुत सही आ रहा है, बहुत सुंदर है। तो चलो आओ मैं आपको दिखाता हूँ कैसा यहाँ पे व्यू। गाइज यहाँ से व्यू थोड़ा ऐसा कुछ आ रहा है, अगर आप पीछे देखोगे तो आपको व्हाइट माउंटेंस नज़र आएंगे, और अगर आगे देखोगे तो आपको सैंड वाले माउंटेंस जो है वो नज़र आएंगे, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। व्यू बहुत अल्टीमेट आ रहा है यहाँ से, और अब चलते हैं नीचे जाके ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद थोड़ा बाहर जाएंगे। तो गाइज ये आ गया मेरा ब्रेकफास्ट, इडली सांभर, तो मैं इसको जल्दी से फिनिश कर लूँ, उसके बाद आपको बाहर जाके मिलता हूँ। तो गाइज बाहर से कुछ ऐसा व्यू है मेरे होटल का, होटल याक। तो अब हम वेट कर रहे हैं बस अपनी टैक्सी की, तो जैसी टैक्सी आती है तो हम कोकसर के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि मनाली के अंदर अभी बर्फ़ नहीं है, बट कोकसर के अंदर बर्फ़ पड़ी हुई है, तो इसलिए बस जैसे ही आती है टैक्सी देन हम उसके लिए निकल जाएंगे। कोकसर यहाँ से अराउंड 45 किलोमीटर दूर है। गाइस टैक्सी के अंदर मैं बैठ चुका हूँ, और कोकसर के लिए मैं अपने होटल से निकल चुका हूँ। तो रास्ते के अंदर हमें ना एक वहाँ पे स्पॉट आएगा जहाँ से हम अपने क्लोथ्स और शूज़ ले सकते हैं, जो स्नो के अंदर हम डाल पाएँ, क्योंकि अगर दूसरे क्लोथ्स डाल तो वो गिल्ले हो जाते हैं। तो अगर मेरे को नीड हुई, ज़रूरत पड़ी, तो मैं उसको लूँगा, नहीं तो मैं रहने दूँगा, बट शूज़ मैं ज़रूर लूँगा। तो जैसा भी होता है मैं आगे जाके देखता हूँ कैसा हमारा सारा सफ़र रहता है। तो गाइज शूज़ मैंने अपने ले लिए हैं, अटल टनल से अराउंड 15 किलोमीटर्स पहले है, थोड़ी सी मेरे को स्नो नज़र आई है, बाकी जो मेन स्नो पड़ी हुई है वो अटल टनल के बाद है, तो मैं वहाँ पर जैसे पहुँचता हूँ देन आपको दिखाता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं अटल टनल पहुंच चुका हूं, ये इसकी एंट्रेंस है जो कि देखने बहुत सुंदर लगती है। यहां पे भी थोड़ा चेक पोस्ट है, वहां पे थोड़ी चेकिंग होती है, बिकॉज़ हमारी टैक्सी है तो इसलिए इसकी कोई चेकिंग नहीं हुई, बाकी अगर आप अपनी कोई व्हीकल आते हो लेके तो उसकी ज़रूर यहाँ पर चेकिंग होती है। हम अटल टनल के बिल्कुल एंटर हो चुके हैं उसके अंदर, और यहाँ पर थोड़े रूल्स हैं इनके कि एक तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते कोई भी कार को, और यहाँ पे हर 500 मीटर्स के बाद इन्होंने सारे बोर्ड लगाए पड़े जहाँ पे कितनी आपकी स्पीड होगी व्हीकल की, तो कहीं के ऊपर 40 है और कई जगह के ऊपर जाके आपकी 60 स्पीड होती है, तो ये यहाँ पे सिर्फ दो ही स्पीड्स चलती है, 40 और 60। अगर आप इससे अबव जाते हो, सारी जगह कैमरे लगे हुए हैं, तो आपका उसी टाइम चलान कट जाता है, तो ज़रूर यहाँ पर जब भी आप आओ तो एक बार इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करके चलना कि आप आराम से अपने स्मूथली जाओ, और एक ही आप अपनी जो स्पीड है उसको मेनटेन करके रखो। तो गाइस जो अटल टनल वो हमने कर रही है क्रॉस, और अटल टनल जो थी ये थी 9 किलोमीटर की अराउंड, तो इसको हमने बस करी है क्रॉस। तो इसको क्रॉस करते सारी हल्की सी यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसमें वेरिएशन आई है, थोड़ी ठंड यहाँ पे हल्की सी ज़्यादा है मनाली से, और इसके जो एक साइड के ऊपर आप जैसे देख सकते हो बिल्कुल आइस वाले माउंटेन है, पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है, और दूसरे साइड के ऊपर एकदम प्लेन माउंटेन्स है, उसको बर्फ़ है ही नहीं, बहुत कम है बर्फ़। तो यहाँ पर थोड़ा ऐसे इसका व्यू आता है, बहुत सुंदर है देखने के अंदर व्यू। अगर कोई मनाली आता है तो एक बार यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें, कोकसर आप एक बार ज़रूर आओ, अगर रोहतांग पास खुला है तो वो तो वेल एंड गुड है, बट अगर नहीं खुला तो यहाँ पे कोकसर आप एक बार ज़रूर आओ। गाइस यहाँ पे इसका ये सारा व्यू है, मेरे जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे पूरे बर्फ़ से बाहर पूरे ढके पड़े हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे बिल्कुल ही बर्फ़ नहीं है, कई कई जगह पे थोड़ी थोड़ी मिलती है, बट वो एक तरह से ना के बराबर ही होती है, बट देखने का व्यू बहुत अच्छा है। इसके साइड के ऊपर एक रिवर है, वो भी साथ में हमारे चल रही है, बहुत सुंदर है। रिवर का हल्का सा पानी जो वो थोड़ा फ्रीज़ हुआ हुआ है, बट अभी पूरी रिवर नहीं फ्रीज़ हुई, यहाँ पर पूरी रिवर भी फ्रीज़ हो जाती है, अगर आप थोड़ी देर में रुक के आते हो तो यहाँ पर ज़रूर मेरे को रिवर जो है वो फ्रीज़ हुई मिलती, तो बट यहाँ पर जो व्यू है बहुत सुंदर है, बहुत अल्टीमेट है।
गाइस फाइनली हम लोग कोकसर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो नेटवर्क है एयरटेल का थोड़ा कम है और जो जियो का है उसका थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो अपने साथ एक ज़रूर फ़ोन कैरी करो जियो वाला अगर आपके पास एयरटेल की सिम है। तो गाइस फाइनली मैं कोकसर पहुंच चुका हूं और यहां पे हम लोगों ने बर्फ़ सा खेलना कर दिया स्टार्ट और ये जो मेरा दोस्त है यहां पे बर्फ़ सा कैच कैच खेल रहा है जो कि बर्फ़ पकड़ी भी नहीं जा रही। यहां पे मैंने मंगाया है मोमोज जो कि पहाड़ों के अंदर बहुत स्वाद लगते हैं खाने के अंदर और मोमोज के साथ है मंगाई मैंने मैगी। तो मैगी तो आपको पता है बहुत ही सही है, अगर पहाड़ में आए तो मैगी यहाँ पर ज़रूर खाओ। तो गाइस कोकसर से हो गया था मैं फ्री और अब मैं आया हूँ सोलांग वैली। यहाँ पे सोलांग वैली के अंदर ये आपको जहाँ पे लैंड पूरी नज़र आ रही है सारी बर्फ़ से भर जाती है अराउंड 1 मंथ के बाद ही यहाँ पे आपको पूरी भरी हुई मिलेगी स्नो के साथ, बिल्कुल ढकी होगी। और यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे बहुत आपको मिलेंगी, जैसे पैराग्लाइडिंग होगी और जो पैराग्लाइडिंग की कॉस्ट है वो अराउंड 3500 है अगर आप टॉप से लेते हो। तो यहाँ पे ऐसा ही सारा सिस्टम है और इसके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ अगर यहाँ पे जब आओगे आप ज़रूर यहाँ पे आके एक बार देख लो तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो हम सारे नीचे से आ गए थे ऊपर ट्रैकिंग करते करते और अब आए हैं टॉप पे बिल्कुल और यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे उसके बाद मैं आपको जाके मिलता हूँ माल रोड या फिर अपने होटल के अंदर। तो अब गाइस मैं आ गया हूँ माल रोड, यहाँ पे कल से ज़्यादा थोड़ा क्राउड है इस वक्त के ऊपर, कल इतना क्राउड नहीं था और बट अब थोड़ी लगी भूख तो सबसे पहले जाके कुछ ना कुछ खाते हैं तो उसके बाद देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आया था चॉपस्टिक्स के ऊपर तो चॉपस्टिक्स पे जाके देखता हूँ क्या खाना है क्या सारा कुछ करना है। तो सबसे पहले कुछ खा लें उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो गाइस खाना हो गया कम्प्लीट, थोड़े नूडल्स खाए थे और ये मोमोज थोड़े लिए थे। तो बस आज के ब्लॉग के अंदर इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। तो आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।